बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वापसी है, रात की फ्लाइट है और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें मदीने में बारिश हो रही है। ये देखें सुभान अल्लाह। और अभी भी आसमान पे अच्छे खासे बादल हैं। अभी बारिश जो है वो मज़ीद तेज़ हो गई है। ओए होए होए होए, आज ना हमारी 8 बजे फ्लाइट थी और हमने निकल जाना था, तकरीबन एयरपोर्ट पहुंच जाना था 3 से 4 घंटे पहले। यानी हमें था कि हमारी अफ्तारी जो है वो एयरपोर्ट पर ही होगी, लेकिन मुदस्सर भाई फ्लाइट हो गई है डिले। पीआईए और डिले ना हो, आते हुए भी तकरीबन वो भी डिले 3 दफा हुई थी, 4 दफा। इधर बिरयानी बन रही है। लेवल ही कर छोड़ा ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अफ्तारी जो है वो बन रही है, हम भी देखते हैं हमारे हिस्से में कोई काम आता है। वैसे भाई लोग हमें कुछ करने नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह अपना दस्तरखान जो है वो लग चुका है। तरबूज है, ये फ्रूट्स हैं मिक्स, और ये अपनी चाट, पकोड़ा, रायता है, साथ आलू बुखारा और इमली की चटनी है। इधर अपना बिरयानी जो है ना, थोड़ा दम लगन दो फिर। ले जी बिलाल भाई भी आ गए हैं, वो जल्दी जल्दी आया। अच्छा लगे मेरे भरावां ने चले जाना है, आए इकट्ठे इफ्तारी करिए। ओए लेवल आया, इतनी स्पीड ना आया मैं दस ही नहीं सकता। राम नाल तशरीफ रखो, आओ जी आओ जी आओ जी, वेलकम। अहीं ते कह रहे हैं सानू बिलाल भाई दे बगैर इफ्तारी करनी पैनी है। पकौड़े किस भाई ने बनाए ना? जिंदाबाद जी, माशाल्लाह। वाह जी वाह, माशाल्लाह। जिंदाबाद शान भाई। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी बिरयानी आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मिल लिया भाई, अभी निकलते हैं। तकरीबन 8 हो रहे हैं और 11 बजे हमारी फ्लाइट है। ठीक है ना भाई? बुरी लगी है, इतना बड़ा अच्छा टाइम, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं, बहुत एंजॉय किया है। रमजान फिर होना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तो ये दुआ करें इंशाल्लाह, हमारी दुआ है साथ में आप सबके इंशाल्लाह। पिलर नहीं लगते, बारिश होती है। अच्छा हाँ जी, पानी ने पहले रोड ही उधर। अच्छा अच्छा, सही हो। अल्हम्दुलिल्लाह निकल पड़े हैं और अभी सफर शुरू हो गया। हम एयरपोर्ट पे जाएंगे, टाइम जो है वो तकरीबन 8:15 हो रहे हैं और 11 बजे जो है वो फ्लाइट है। और भाई लोग कुछ हमें छोड़ने के लिए आ गए हैं। अब अकबर भाई, नमान भाई भी आए हैं, मुदस्सर भाई भी, और मुदस्सर भाई, अहमद भाई, अहमद भाई भी आए हैं हमें छोड़ने के लिए। अहमद भाई भी हमारे हमसाये हैं भाई। माशाल्लाह, आप चार हुआ। बस जी, दोस्तों के साथ बड़ा दिल लग गया हुआ था, अभी थोड़ी उदासी भी है, लेकिन बस जाना तो होता है बंदे। खैर हम दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें और यहाँ पे अल्लाह ताला इनको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से महफूज रखे। माशाल्लाह, ये हमारा ये इनका टिकाना था जी, माशाल्लाह, शीश महल। और बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनको बुलाए अपने देश और अपनी फैमिली से मिले, और फिर वहाँ पे हम इनको मिलेंगे इंशाल्लाह।
लेनी बिल्कुल सामने आपको जो नज़र आ रही है ये है मस्जिद कुबा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी एयरपोर्ट के रास्ते में हैं और हम एक ट्राई करने लगे हैं, अल बैक हम लेंगे और देखते हैं कि हम लेके जा पाते हैं कि नहीं। इरादा है कि घर वालों को टेस्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। आपसे मेरी अब एक सिफारिश हो रहा है जी। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पूरी कर दी है मेरी कि मुकल्ला भाई को आप साथ लेके आए, ठीक हो गए। तो अभी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी जल्दी मुकल्ला भाई का कोई अच्छा सा रिश्ता देखें और उनकी जो है ना शादी करें। अच्छा सा रिश्ता देख के जल्दी जल्दी दो तीन मान है मान भाई, आपने दुआ करनी है इंशाल्लाह। घर वाले रिश्ते देख रहे हैं इंशाल्लाह, जाके अच्छी खबर आपको मिलेगी इंशाल्लाह। जैसे आपने ये वाली दुआ जो ना ख्वाहिश मेरी बहुत दिन से पूरी की है ना, वैसे आप ये वाली भी ठीक हो गया सर। तो ही आओगे नहीं शादी देर इंशाल्लाह, कोशिश कर रहा हूं। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अल बैग हमने ले लिया है, ये चार पार्सल है मेरे पास, कोशिश करेंगे कि हम लेके जा सकें अपने घर विलेज। एक दो तीन चार लगेज हमारे पास, तीन हैं बैग हैं हैंड। यहाँ से सबसे पहले आपको आबे जमजम लेना होता है बाहर से एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ, और वैसे तो एक बंदे की एक बॉटल होती है, हमने एक दो ज़्यादा ली है। अब देखते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे अगर मांगे तो हम ले जाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ भाई लोग जो हैं वो वापस ले जाएंगे। ये आबे जमजम और नुमान भाई थोड़े उदास हैं। माशाल्लाह एयरपोर्ट बड़ी खूबसूरत है यार। नुमान भाई उदास थे नहीं बहुत ज्यादा से। अच्छा रोवो के दे नहीं पिछ दिल ते कर रहे हैं ते पर की करिए है तानू मैं जान लगे गिफ्ट दे के जा रहे हैं, कोई चीज खा लियो रोयो ना। हेलो ये ओ एक डेग पे थे रुपया रुपया जे चीज तो नहीं खाते लेकिन एक संभाल के रखांगे यादगिरी रखांगे यार। हम करम भाई देख के नहीं सर नहीं सर वो नहीं घर से भी जब आए थे ना बच्चों को पैसे दे के आए थे। अब यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ से भी आप चले, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, जल्दी आए गाँव फिर इंशाल्लाह। ठीक हो जैसे ही आप एयरपोर्ट पर इंटर होते हैं सबसे पहले आपको देखना होता है कि मतलब आपका काउंटर जो है वो किस साइड पे है। हमारा पीआईए है पाकिस्तान, ये रहा सामने पीआईए वाला काउंटर, यहाँ पे PK 748 हमारी फ्लाइट नंबर है और कंफर्म कर लिया 748 है ना 748। ये जी बोर्डिंग पास मिल गया है और बाकी बैग जमा हो गए हैं। इस बैग में उन्होंने कहा है कि 40 kg है तो इसको कम करना होगा, 30 kg का लगेज आप रख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए अब इससे 10 kg निकालना होगा। ये भी हमें पता चला है कि 40 kg आपको लो है लेकिन लगेज 40 का नहीं होना चाहिए, लगेज 30 का होना चाहिए। भाई लोग हमें एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी सर, फिर अल्लाह जी सुपुर्दी अल्लाह ने वाले जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। शान भाई ठीक है जी, दिलदास रहेगा लेकिन सर को कमी पेशी रह गई हो तो माजरत। ओके रहमान भाई अल्लाह जी सुपुर्दी। ओके सर पेंड जा गल होगी। बोर्डिंग पास हमें मिल गए हैं, सामान वगैरह ओके हो गया। पहले तो थोड़ी मसला बन रहा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है हमारा यहाँ पे और अब मदीने से जा रहे हैं तो थोड़ी उदासी है। हम आए थे 12 दिन के लिए और 7 अप्रैल को हमने वापस जाना था लेकिन फिर हमने न अपने 5 से 6 दिन जो है वो बढ़ा लिए थे, इसलिए हम अब 12 को जा रहे हैं। वैसे हमने 7 अप्रैल को चला जाना था वापस, तो अब 17 दिन का तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 17 या 18 दिन हो गए हैं हमें आए हुए। तो खैर भाई जो हैं वो कह रहे थे कि आप जो है ना ईद यहाँ पे करके जाएं, लेकिन घर में बच्चे भी उदास हो गए हुए हैं। मैंने तो मुकल्लफ भाई को कहा था आप इधर कर जाएँ ईद, लेकिन मुकल्लफ भाई जो है वो नहीं माने, इधर ईद कर लेते। रिटर्न टिकट थी वो ज़ाया हो जाती, लेकिन वैसे आपको 35-40 हज़ार में सऊदी एयरलाइन की टिकट मिल जाती है। अच्छा लेकिन खैर अब हम सब ने यही सोचा कि हमें जाना ही चाहिए, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो दोबारा आएंगे। 20 दिन बहुत है माशाल्लाह, 18-19 दिन हमें लग गए हैं तकरीबन। कैसा रहा एक्सपीरियंस? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और माशाल्लाह ये जगह ही ऐसी है, यहाँ बंदे का दिल करता आए और जाने का तो दिल बिल्कुल भी नहीं करता। ऐसा ही है और बस अभी हाँ गेट खुल गया, मुदस्सर भाई पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अभी हमारी ना एंट्री बस होगी जहाज़ में, बोर्डिंग पास वगैरह हमें मिल गए हुए हैं।
शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जी हम टनल में दाखिल हो गए हैं, सीधा आ जाएंगे जहाज में। और 11 बजे हमने उठना था लेकिन 11 बज के 15-20 मिनट हो चुके हैं। हाँ मतलब हमने टेक ऑफ करना था लेकिन 10-15 मिनट का हो जाता है, रश काफ़ी है। ये है जी किचन, यहाँ से हमें खाना मिलेगा। 43E हमारी जो है ना वो सी नंबर है। शोर बहुत होता है जहाज़ जब स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ इसका शोर इतना ज़्यादा होता है आवाज़ सही से आती नहीं। खैर हम लेट आए हैं, सबसे दुनिया बैठ चुकी है सारी की सारी, अब देखते हैं हमें कहाँ पे सीट मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री हो गई है जहाज़ के अंदर, अब देखते हैं कब टेक ऑफ करता है। मेरे ख्याल में 10-20 मिनट और ले जाएगा। गिर पड़ेगा, इस मास्क को झटके से खींचिए ताकि ऑक्सीजन की बरामी शुरू हो जाए। अभी ना ऑफलाइन एक गेम है जो हम खेल रहे हैं खाना खाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन सियालकोट के करीब पहुंच गए हैं माशाल्लाह, और हमें लेने के लिए आए हुए हैं मुबशर भाई। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जान। और इधर जैन भाई हैं, और जैन भाई की थोड़ी तबीयत जो है वो नासाज है, और जैन भाई रात के सोए हुए नहीं, सो गए हैं जैन भाई, इसलिए अभी आराम। तो माशाल्लाह यहाँ पे भी मौसम जो है वो गर्म हो गया काफ़ी, जब हम गए थे तो इतना गर्म जो है वो नहीं था। खैर 18 दिन में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, और गंदम भी पक गई है, जब हम गए थे थोड़ी थोड़ी सब्ज थी माशाल्लाह, और पीछे से बारिशें भी हुई हैं। जब आप लोग गए थे तब हरियाली थी जी, अब सुनहरा है हर तरफ, गोल्डन हो गया कलर। हाँ जी सही हो और बशर भाई आपको हज की बहुत बहुत मुबारक। बशर भाई का नाम आ गया जी कुरानदाजी में जैन का और बशर भाई का। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस दफा जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी थी सबका नाम आ गया। हमें ना उम्रे के लिए भाई लोग छोड़ने के लिए आए थे, तो इंशाल्लाह हज के लिए हम भाई लोगों को छोड़ने के लिए आएंगे। घर वालों ने बड़ा इस्तकबाल किया जी माशाल्लाह, ये देखें फूल ही फूल हैं हर तरफ, और हार जो है ना वो 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 फेंक दिए ऊपर। घर वाले जो हैं वो पूरी तैयारी में थे माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशी हुई है घर वालों ने इस्तकबाल किया अभी भी फूल आ रहे हैं माशाल्लाह।